ये है सैमसंग का नया F23 5G। ये सैमसंग का नया बजट स्मार्टफोन है और ये काफी हद तक एक ऑनलाइन सेंट्रिक मार्केट के लिए बनाया गया। और इस एडिशन के पिछले जितने डिवाइसेस थे, हमने F42 ट्राई करा था, बजट वाले ट्राई करे, थोड़े महंगे वाले भी ट्राई करते, और सारे काफी अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन थे। और सब में एक चीज कॉमन थी कि प्रोसेसर काफी बढ़िया था। तो भाई हम भी आज रेडी हो गए हैं। ये मेरे हिसाब से पहला बजट स्मार्टफोन है जिसका डब्बा स्लिम ट्रिम है। इसका मतलब समझते हो, दया इको फ्रेंडली मामला, मतलब या तो चार्जर नहीं है या तो फोन नहीं है। पीछे की साइड पे डिस्प्ले लिखा है, ट्रिपल कैमरा और स्नैपड्रैगन 7 सीरीज। जिस प्राइस पे आ रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट्स गो। इसके अंदर जैसा कि पता होगा आपको क्या मिल सकता है वेंकटेश भाई, कपड़े मिल सकते हैं। आपका जवाब गलत। एक टाइप सी केबल है, उसके साथ पुस्तकें, वेरी लेस, मतलब एक में ही सब कुछ हो गया। अब पढ़ाई लिखाई का जमाना गया यार, अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल। और फोन को एक से साइड में रखते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर। सैमसंग ने चार्जर इसलिए रिमूव करा क्योंकि एक एनवायरमेंटल डिसीजन था और थोड़ा इको फ्रेंडली बनाना चाह रहे थे। देखो मैं एकदम सीरियसली बताता हूँ, महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें से अगर आप चार्जर हटा दो, ठीक है, जो बंदा 1,00,000 रुपए या 70,000 रुपए या 50,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद रहा है, 1,500-1,000 रुपए खर्च के एक चार्जर खरीद लेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। बट जो बंदा 14,000-15,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद रहा है, उसके लिए एक थोड़ा सा चैलेंज होता है अलग से बाद में जाके चार्जर लेना। और मेरे हिसाब से अगर दोनों ऑप्शन होते, एक चार्जर वाला ऑप्शन होता जो हो सकता है 500 रुपए या 300-400 रुपए महंगा होता, और एक नॉर्मल वाला ऑप्शन होता है जो बिना चार्जर के होता, जो थोड़ा सस्ता रहता, आई थिंक ज्यादातर लोग वही लेते जो सस्ता वाला है। बट लाइक ऑप्शन एक मिल जाता तो बेटर रहता, ये मेरी ओपिनियन। बट भाई फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और जिनको खरीदना वो खरीद सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं, फोन देखते हैं यार एक से। कलर ही अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा ग्रीनिश पीलिश। मैं अपने बाल भी सोच रहा हूँ इस कलर के कराने। बैक साइड में एक पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक, जैसे भी आपको बोलना है, बट हाथ में पकड़ने में अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल सा लग रहा है और काफी एक स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर फिनिश है। इस प्राइस पे ऐसे ग्लास कम ही मिलता है। और साइड में भाई एक चमकीला पॉलीकार्बोनेट और यहाँ पे एक कैमरा बम्प देखने को मिलता है, अच्छा लग रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे अलग डिजाइन लैंग्वेज होते हैं इसमें, साइड टू साइड एकदम पूरा फ्लैट, कुछ फोन थोड़े ऐसे कर्व्ड होते हैं तो हल्के साइड से पतले पतले फील होते हैं और बीच में थोड़े से मोटे होते हैं। और मेरे को पर्सनली भाई बैटरी जिसमें बड़ी मिल जाए बेस्ट, और एक लंबा फोन है बट हाथ में पकड़ने में ऐसे अनकंफर्टेबल सा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। राइट साइड में अगर देखो तो वॉल्यूम रॉकर्स हैं जो अच्छा खासा क्लिक है, और पावर बटन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अच्छा रहता है यार। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है फोटो खींचते टाइम आती है, जैसे पावर बटन दब जाता है, हमको लगता है फोटो खींच लिया हमने, बाद में पता चलता है स्क्रीन बंद हो गई। नीचे की साइड पे एक हेडफोन जैक है, टॉप की साइड पे एक माइक्रोफोन का एक हल्का छेद है, और लेफ्ट साइड पे एक सिम इजेक्टर ट्रे है। ओवरऑल काफी हद तक एक स्टैंडर्ड सा सैमसंग का जैसे लेआउट होता है वैसा सा। फ्रंट साइड में अगर आप नोटिस करो तो एक ऐसे टीयर ड्रॉप या जो भी बोल रहा है ऊपर से जो कर्व वाला डिस्प्ले है वो है, और हल्का सा मैं ऊपर और नीचे की साइड से बेजल में बोलूंगा हल्की सी बड़ी है, बट लाइक ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लगी मेरे को। देखो आप लोगों को शायद ना पता हो बट गाल पे रगड़ने का एक साइंटिफिक रीजन है, जो जब भी लगाया जाता है गाल पे लगाया जाता है, और प्यार भी जो करा जाता है वो भी गाल पे करा जाता है, इसीलिए गाल से टेस्टिंग बेस्ट, साइंटिफिक फैक्चुअल एविडेंस ही दिया मैंने। इसमें एक 6.58 इंचेस का फुल HD TFT डिस्प्ले है। ऑनेस्टली बताऊं इस प्राइस पॉइंट पे आपको यूजुअली LCD डिस्प्लेस देखने के लिए मिलते हैं, किसी किसी में AMOLED आते हैं बट उसमें फिर स्पेसिफिकेशन या किसी और चीज में ऐसे कम कर दिया जाता है। बट एकदम ऑनेस्टली बताऊं ये डिस्प्ले मेरे को अच्छा लगा, इवन जो स्लाइड हो रहा है मेरा गाल वो मेरे को अच्छा लग रहा है। 4K में वीडियो चलाते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, मैं ऊपर नीचे भी कर रहा हूं तो कलर शिफ्ट ज्यादा नहीं हो रहा है, लेफ्ट राइट करने में भी व्यूइंग एंगल्स डिसेंट है। और मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो ऑल्दो एक TFT डिस्प्ले है बट ये सारे LCD डिस्प्लेस को डेफिनेटली टक्कर दे रहा है, और हो सकता है भाई काफी ज्यादा LCD डिस्प्ले से भी ये बेटर क्वालिटी हो। और उसके साथ साथ एक 120 हर्ट्ज वाला पैनल है जो भाई डेफिनेटली काफी स्मूथ फील हो रहा है। 90 और 120 का हल्का सा ही फर्क है बट मजा आता है भाई। गोरिल्ला ग्लास 5 आपको फ्रंट की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, प्रोटेक्शन वेरी नाइस, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा लगा मेरे को। हाथ में बढ़ने में ऐसे कुछ बल्कि नहीं लगता बट इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है, और अगर एक अच्छा एफिशिएंट प्रोसेसर है तो उसके साथ ही आराम से आपको 2 दिन चला देगी। और अभी भी हमने जितनी टेस्टिंग करी है बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आई, हमने बहुत सारी गेम वेम खेली, 45 मिनट तक BGMI और अलग अलग हमने गेम्स ट्राई करी और हमारी 8% बैटरी कम हुई थी, जो डेफिनेटली काफी एक अच्छा रेशियो माना जा सकता है। यूजुअली भाई 10-15% कम होती है बैटरी दोस्तों। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेंकटेश भाई टेल मी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फोन में क्या है? डिस्प्ले, कैमरा। झूठ, मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फोन से अगर कैमरा हटा दो तब भी चलेगा फोन, बट फोन से परफॉर्मेंस हटा दो तो कैमरा क्या ही चलेगा। डिस्प्ले हटा दो, सिर्फ परफॉर्मेंस डाल दो, क्या होगा? पावर बैंक बन जाएगा।
गुड क्वेश्चन बट हर्टफुल क्वेश्चन। दर्द हुआ। मजाक के बाद साइड में, इसमें स्नैपड्रैगन 750G है। यूजुअली स्नैपड्रैगन 750G आपको 17,000 से 20,000 के स्मार्टफोन्स में देखने मिलता है और महंगे महंगे 20,000-25,000 तक भी जाते हैं, बट इस प्राइस में मिलना भाई डेफिनेटली काफी बड़ी बात। सैमसंग का वन यू आई है, उसमें भाई काफी सारे फीचर्स जैसे नियर बाय शेयर है, आई कम्फर्ट, स्मार्ट व्यू, डार्क मोड आप ऑन कर सकते हो, डार्क मोड ऑन कर सकते हो, अंधेरा छा गया, वाओ। इसमें ना मल्टीपल ऐप्स खोल के देखते हैं, एक फोन खोल लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस खोल लेते हैं और जीमेल भी खोल लेते हैं। अब देखते हैं भाई, खुला हुआ मैसेज खुला हुआ, हमारा फोन भी हमारा खुला हुआ, गूगल क्रोम खुला हुआ, भाई खुला हुआ। रैम मैनेजमेंट डिसेंट लग रही है। इसमें एक रैम प्लस करके भी ऑप्शन है जिसमें आप एक्चुअल इंटरनल स्टोरेज को एज रैम यूज कर सकते हो। ये भी नए फीचर है, काफी स्मार्टफोन्स पे आने लगे। और ऑल्दो एक बजट स्मार्टफोन है बट एंड्रॉइड वर्जन 12 है और वन यू आई का वर्जन 4.1 है जो लेटेस्ट है। काफी सारे जो बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें सैमसंग वन यू आई कोर डालता है, बट इसमें सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो थोड़े फ्लैगशिप फीचर्स रहते हैं जैसे नॉक सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ ऑल्डी है, जैसे एक में आपने भाई स्टडी मटेरियल खोल के आप टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं और आपने डबल टैप करा तो भाई अपना वीडियो चल रही, मम्मी को लग रहा पढ़ाई करी जा रही है, बट मम्मी जैसी पास आई ऐसे उनको पता चला कि स्टडी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं। अब आ गया भाई कैमरा टेस्ट करने का टाइम। इसमें एक 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी। भाई हम फोटो खींच के देखेंगे, एक वाइड में खींच के देखते हैं, एक हम 1x में खींचेंगे। हल्का सा मेरे को फील हुआ कि भाई 0.5x से 1x में जो आप शिफ्ट करते हो ब्लर वाला एनिमेशन है थोड़ा सा ज्यादा खिंच जाता है, बट जो एक्चुअल फोटोज हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसे जो कलर्स हैं इसमें, यहाँ पे हरियाली भी और यहाँ पे बैक साइड पे भी, मतलब अगर आप नॉर्मली भी देखो तो इतने अच्छे से क्लियरली दिखेगा नहीं, बट फोटो में काफी क्लियर कैप्चर हुआ है। और जो वाइड की भी फोटो है, ऑल्दो डिटेल हल्की सी प्राइमरी में बेटर थी, बट इसकी भी जो फोटो है जैसे कलर्स हैं वो काफी नेचुरल लग रहे हैं, जो वाइड बैलेंस है, ओवरऑल इमेज काफी अच्छी लग रही है। भाई एक मैक्रो से भी खींच के देखते हैं, हाथ की लकीरों में डिटेल बट ठीक है, मेरे हिसाब से प्राइमरी और वाइड एंगल हमारा बढ़िया चले भाई। मैक्रो बस इमोशनल सपोर्ट देता रहे, वो हमारे लिए बहुत है। हमने और भी फोटोज खींच के देखी मैक्रो में और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी जो फोटोज और सेल्फीज खींची थी उनकी दाढ़ी काफी बढ़िया आई, हम भी खींचेंगे सेल्फी। भाई ये सही लगा मेरे को, वही जब मैं फोटो खींच रहा हूँ तब व्यू फाइंडर में इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, उसमें भी शुरू में हल्का ब्लर आता है बट एकदम से भाई दाढ़ी वाड़ी मस्त क्लैरिटी इसकी बढ़ जाती है। एक बजट स्मार्टफोन था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट सेल्फी काफी अच्छी डिटेल के साथ आई है और सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस को लेके डेफिनेटली भाई काफी इंटरेस्टिंग है। नाइट में भी हमने फोटोज खींच के देखी और सब में ही हमको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली और एक काफी डिपेंडेबल कैमरा वाली फील है। और क्योंकि वन यू आई इसमें फुल वर्जन पड़ा हुआ है तो इसमें सुपर स्लो मोशन, सिंगल टेक, हाइपर लैप, जितने भी फ्लैगशिप वाले मोड्स होते हैं वो सारे आपको देखने मिलते हैं। तो भाई ओवरऑल डेफिनेटली नाइस कैमरा। एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, इसमें फुल HD पे 30 FPS वाला ऑप्शन है, 4K पे भी 30 FPS वाला ऑप्शन है, बट 60 FPS वाला है ही नहीं, वो आपको स्लो मोशन में करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से भाई फुल HD पे 60 FPS वाला ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि उससे भाई व्लॉग व्लॉग करते मजा आता है। हेलो दोस्तों, हम हेड टेक बन और ये वाली वीडियो बना रहे हैं सैमसंग F23 से। अच्छे लग रहे हैं, स्टेबलाइजेशन भी डिसेंट है। इसमें एक वॉइस फोकस मोड भी ऐड करा गया जिससे एक्चुअल आपकी ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करते रहें थोड़ी सी बेटर आती है। और ये वीडियो में नोटिस करा कि भाई इस सेगमेंट के हिसाब से ऑडियो क्वालिटी हल्की सी बेटर लग रही है। और भी छोटी छोटी जो चीजें हैं जैसे इसमें NFC का सपोर्ट है तो आप एक्चुअल सैमसंग पे भी यूज कर सकते हो। ये यूजुअली सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता है और ऑफ कोर्स भाई नाम में 5G लगा है, 12 5G के बैंड आपको देखने के लिए मिलते हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, जो मतलब काफी अच्छा है। 12 इज अ गुड अमाउंट क्योंकि मैंने देखे 40,000 के स्मार्टफोन जिसमें दो दो बैंड आते हैं, तो भाई 5G फोन कहलाने के डेफिनेटली लायक है। स्पीकर भी टेस्ट करेंगे भाई, वो जो तुनक का बेस है ना, वैसे स्पीकर एक्चुअली काफी लाउड है। ऑल्दो एक सिंगल स्पीकर है नीचे की तरफ, बट काफी अच्छी क्लियर और फुल साउंड मेरे को लगी। हम गेम खेलेंगे चार्ज करते हुए, तभी तो असली टेस्टिंग हुई। ओ अब ऐसे टाइम भाई सबसे पहले तो चेक करते हैं ग्राफिक्स, HDR अवेलेबल नहीं है, बट चलो HD पे हाई पे खेल लेंगे। इस प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ी और सेटिंग अनलॉक हो सकती है। ओ यार, अरे कौन मार रहा है भाई, कहां से मार रहे हैं मेरे को वेंगड़े भाई। एक किल पूरे गेम मैंने एक भी नहीं करी क्योंकि मैं बस डायरेक्ट विनिंग किल करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस जैसे कि आप भी नोटिस कर पा रहे हो, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, कोई भी लैग नहीं है, बिल्कुल ही एक स्मूथ गेम प्ले है। डिस्प्ले भी काफी स्मूथ रहता है, गोरिल्ला ग्लास 5 है तो एक्चुअल खेलने में मजा भी आता है। इस वाली गेम में सेटिंग थोड़ी बहुत अनलॉक नहीं थी, बट हमने और भी गेम्स ट्राई करी और वो सारी गेम्स काफी स्मूथली काफी अच्छी सेटिंग्स पे चली थी। तो भाई प्राइस की अगर बात करें तो 4GB 128GB का प्राइस 17,499 रुपीज है, जो एक डिसेंट प्राइस है इस वाले स्मार्टफोन के लिए। और ये प्राइस मेरे हिसाब
हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन को काफी तगड़ी वैल्यू बनाता है। इसकी सेल 16 मार्च 12 बजे से शुरू होगी और भाई मेरे को डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी वैल्यू लगा। अगर आप एक बजट बैलेंस स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं जिसमें एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी बैटरी लाइफ, एक अच्छा डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सारी चीजों का आपका मिश्रण मिल जाए तो डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। और इतना तैयार इस वाली वीडियो के, होपफुली आपको अच्छी लगे। अगर लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।